ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की गल करिए तो अज कुछ खास गल्ला असी तुहाड़े नाल सांझियां करन जा रहे हैं, क्योंकि अज एक तो आपां गल करनी है डी टू डी प्रोग्राम बारे। इस उपर स्टूडेंट्स के बहुत सारे सवाल ने, कौन कौन केड़ी प्रोफाइल वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल ने, किन्नी परसेंटेज चाहिदी हुंदी है, खर्चा, फंड, यूनिवर्सिटीज़, ये तमाम सवाल जिहड़े तुहाडे हुंदे ने डी टू डी प्रोग्राम नूं लैके, ये सारे जवाब अज की वीडियो जरिए तुहानूं मिलन जा रहे हैं। स्वागत है जी सारयां दा, मैं हाँ हरजोत कौर। डिटेल में पूरी इनफॉर्मेशन तुहाडे नाल सांझी करनगे स्टडी स्केयर अब्रॉड चंडीगढ़ तो ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा एक्सपर्ट मनप्रीत सिंह चीमा जी साढ़े नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मैम। सो मनप्रीत जी, अज का सवाल तुसी समझ चुके हो कि आपां किस उपर पूरी इनफॉर्मेशन स्टूडेंट्स नाल सांझी करनी है डी टू डी प्रोग्राम नूं लैके, एक एक पॉइंट जो है जरूर स्टूडेंट्स नाल सांझा करियो ता कि अगले इनटेक दे लई हुण स्टूडेंट्स ने अपलाई करना है तो वो डी टू डी प्रोग्राम नूं समझ के चंगी तरह अपनी प्रोफाइल नाल मैच करते हुए अगे वध सकन। जी बिल्कुल हरजोत मैम, डी टू डी प्रोग्राम उन्ने इंपॉर्टेंट है जिन्ने कि बैचलर्स और मास्टर्स डिग्रीज़ ने, क्योंकि हर बच्चे की कैपेबिलिटी डिफरेंट है। कई बार किसी बच्चे की परसेंटेज घट रह जाती है प्लस टू के, कई बार किसी बच्चे के आइल्स स्कोर घट रह जाते हैं, वह मतलब नहीं है कि वह बच्चा ऑस्ट्रेलिया जा नहीं सकता। डी टू डी प्रोग्राम स्पेशली डिजाइन ही उन्होंने प्रो बच्चों लिए किया गया जिन्हें किसी चीज़ के थोड़ी जी कमी रह गई है, जो प्लस टू के नंबर से या आइल्स के नंबर के। डी टू डी ज़्यादातर उही यूनिवर्सिटीज़ दे रही हैं जिहड़ियां कि सानू बैचलर्स डिग्री दे रही सी, बैचलर्स एडमिशन दे रही सी। ये नहीं है कि असी किसी प्राइवेट कॉलेज दे विच डिप्लोमा करावांगे फिर बच्चा यूनिवर्सिटी दे विच जाएगा। उही जिहड़ी यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जाम्पल लट्रोब यूनिवर्सिटी, उन्हां दा ही कॉलेज है लट्रोब कॉलेज, तो बच्चे नूं ये तो सोचण दी लोड़ ही नहीं कि किसी माड़े इंस्टीट्यूट दे विच मेरी एडमिशन हुंदी पई है, उहदी उही इक्विवेलेंट उही सेम यूनिवर्सिटी दे कॉलेज दे विच ही एडमिशन होएगी और ड्यूरेशन भी सेम रहेगा। जे बच्चे ने बैचलर्स 3 साल की करनी सी तो डिप्लोमा टू डिग्री दे विच भी 1+2 ही होएगा, उन्होंने 1 साल एक्सट्रा नहीं लाना पाएगा, वो 3 साल ही बनेंगे, उन्होंने फाइनल डिग्री बैचलर्स की ही मिलेगी। सिर्फ यूनिवर्सिटी का ही कहना कि अगर ताड़ी किते चीज़ दे विच तुसी थोड़े जे वीक हो, असी डिप्लोमा दे विच तुहानू उस चीज़ के इंप्रूव करके फिर बैचलर्स के सैकेंड ईयर के बाकी बैच के नाल ही मिक्स कर देंगे। ये नहीं है कि तुम अलग तो ही पढ़ते रहोगे हमेशा कि तुम डिप्लोमा टू डिग्री के आए हो। सो कोई भी बच्चा है जिसे 60% ने या 58 ने या 62 है या वो बैचलर्स एलिजिबल नहीं है, उन्होंने कोई मना कर रहे एजेंट कि तेरा बैचलर्स नहीं अपलाई हो सकता, वो बच्चा डिप्लोमा टू डिग्री के जा सकता है। हेल्थ के प्रोग्राम भी है, IT के प्रोग्राम भी है और बिजनेस के प्रोग्राम भी है। फिर बच्चे ने यह भी सोचने की लड़ नहीं कि डिप्लोमा से जा रहे हैं शायद मैं किसी स्पैसीफिक कोर्स के ही जाना पेगा, इदा की कोई बाउंडेशन नहीं है। जो बच्चा डिप्लोमा ऑफ हेल्थ साइंस से जा रहा है तो बैचलर्स ऑफ हेल्थ साइंस या नर्सिंग के ही अगे शिफ्ट करेगा। सो बहुत अच्छे प्रोग्राम्स है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है जिहड़ियां प्रोग्राम प्रोवाइड करवा रही हैं। अगर कोई बच्चा वीक है, मैं दोबारा कह रहा, किसी भी चीज़ के थोड़ी जी चीज़ा स्कोर घट रह गया चाहे प्लस टू है या आइएल्स, वो बच्चा डिप्लोमा से जा सकता है। जी 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 ठीक है बिल्कुल। सो एक बार सारे आप पैरामीटर्स की गल कर लिए, एलिजिबिलिटी लैके परसेंटेज लैके जोड़े स्टूडेंट्स ने सब्जेक्ट्स लए होंगे ने उस हिसाब के नाल स्टूडेंट्स नू जरूर गाइड करना। जी परसेंटेज देखो, अगर मैं जिदा मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में 65 अबव ही चाहिए बैचलर्स वास्ते, अगर कोई भी बच्चा 65 तो नीचे रह गया तो वो सानू आके मिल सकता, वो डिप्लोमा दे विच अप्लाई कर सकता है। डिप्लोमा की जी फीस है वो भी बैचलर्स के ऑलमोस्ट सेम ही होंगी है, यानी कि जी यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस है, मैं ये दस दिना कि उन्हों की फीस भी उन्नी ही होंगी है जिनी बैचलर्स की होंगी है, वो नियर अबाउट ही होंगी है, थोड़ा बहुत उपर नीचे फर्क होंगे क्योंकि रेपूटेशन उही है, फैकल्टी उही है, कैंपस उही है, फैसिलिटीज़ उही है। सो जी फीस है वो ज़्यादा फर्क नहीं होंगे। स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं, डिप्लोमास के भी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, क्योंकि अगर कोई बच्चा फॉर एग्जाम्पल प्लस टू नंबर चंगे है पर आइल्स किसी मोड्यूल घट रह जाते, उन्होंने मजबूरी से जाना पै रहा डिप्लोमा, पर उसकी परसेंटेज तो अच्छी सी, परसेंटेज के बेस के उपर स्कॉलरशिप भी मिल सकती है और हाई कमीशन बहुत हंस के वीज़ा देता है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडिंग की कैलकुलेशन सेम रहेगी, फंड्स भी बैचलर्स के वांग ही कैलकुलेट होंगे, फीस भी उदा ही जाएगी, हेल्थ जी इंश्योरेंस वो भी 3 साल की उदा ही होएगी, कोई बाकी कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क यही है कि यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि अगर तुम किसी चीज़ से थोड़े वीक हो, असी तुहानू बाकी बच्चों के लैवल पर लिया के सीधा सैकेंड ईयर के बैच के नाल मिक्स करके सैकेंड ईयर तुम उही बच्चों नाल करोगे जिहड़ा बैचलर्स का वैसे रेगूलर बैच चल रहा। ठीक है बिल्कुल। तो कि यूनिवर्सिटीज़ ने जिते डी टू डी प्रोग्राम्स वधिया अच्छे प्रोग्राम स्टूडेंट्स मिल सकते हैं? बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, जिदा लट्रोब तुहानू दस्या लट्रोब यूनिवर्सिटी, उन्होंने लट्रोब कॉलेज है, डीकिन यूनिवर्सिटी का डीकिन कॉलेज है, सेम इदा ही UTS है यूनिवर्सिटी, उन्होंने UTS कॉलेज है, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी का ग्रिफिथ कॉलेज है, बहुत यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेज है। इस करके बच्चे
कोई टेंशन लेने की लोड़ नहीं है कि मैनू किसी स्पैसीफिक लोकेशन से जाके ही डिप्लोमा करना पेगा। हर लोकेशन से हर यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा प्रोग्राम्स अवेलेबल है। सो बिल्कुल निश्चिंत होकर साढ़े ऑफिस आओ, अपनी प्रोफाइल की असैसमेंट करवाओ और डिप्लोमा टू डिग्रीज तुसी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है मनप्रीत जी, जरूर जरा खर्चे के उपर भी आप गल कर लीए, क्योंकि जो भी आस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की गल आती है, फंडस देखना, खर्चों को देखना, सही तरीके सब चीज़ा मैनेज करनिया बहुत जरूरी है। सो की कहना चाहोगे खर्चों के फंडस के बारे में? देखो फाइनैशियल्स की कैलकुलेशन उही रहेगी, एक साल की फीस और एक साल के लिविंग एक्सपेंसिज के नाल ही फंडस कैलकुलेट होंगे आस्ट्रेलिया के। जिते असी डिप्लोमा की बैचलर्स की एक साल की फीस कैलकुलेट करते हैं, उत्थे असी बैचलर्स की डिप्लोमा की फस्ट ईयर की फीस लैके फंडस नूं कैलकुलेट कर लेंगे। फंडिंग सेम रहेगी, फाइनैशियल ITRs वो सारिया रिक्वायरमेंट सेम रहनगियां। जिदा मैं पहला दसदा हर शो के कि मिनीम 2 to 3 years की इनकम टैक्स रिटर्न, 10 to 15 lakh के इनकम, फाइनैशियल्स एज पर द यूनिवर्सिटी फस्ट सेमेस्टर फस्ट ईयर की फीस के अकॉर्डिंग उन्होंने फाइनैशियल्स जो कि वेरी करते 30 to 40 lakh के कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन टू यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। सो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। मैं तो ही कह रहा कि कई लोग सोचते यार डिप्लोमा च पता नहीं वीज़ा आएगा कि नहीं, डिप्लोमा च पता नहीं फ्यूचर की है कि नहीं, सब कुछ सेम है। ईवन डिग्री भी सेम मिलनी है जो डायरेक्ट बैचलर्स जा रहे हैं। सिर्फ मैं जिदा दस रहा कि सिर्फ तुहाडा लैवल नूं इंप्रूव करन लई, तुहाडी वीकनेस नूं दूर करन लई डिप्लोमा प्रोग्राम बनाए गए हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। कई स्टूडेंट्स का कंसर्न ये होंगे कि असी डिप्लोमा दे विच अप्लाई करांगे तो साढ़े कितने जो है वीज़ा चांसिस तो नहीं घट जाएंगे, डिग्री वाले स्टूडेंट्स वीज़ा चांसिस वध जाते हैं, ये भी जरूर इस चीज़ से भी क्लैरिटी दो। देखो अगर फाइनैशियल्स बहुत अच्छे ने और हाई कमीशन नू भी पता है कि डिप्लोमा प्रोग्राम्स असी जिहड़े दे रहे हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसिस दे विच ही दे रहे हैं, जब तुसी किसी प्राइवेट कॉलेज दे विच अप्लाई कर देंदे हो फिर तो ऑब्वियसली चांस घटनगी। और जिहड़ी हाई कमीशन है उन्हूं भी पता है कि ये बच्चे इन्ने वीक नहीं है, सिर्फ किसी एक अद्धे मोड्यूल दे विच वीक होने के कारण इन्हां नू डिप्लोमा इन्हां ने चूज़ किया। हर यूनिवर्सिटी का जिहड़ा कॉलेज का डिप्लोमा कोर्सिज है देखो बहुत सालों तो चल रहा और हर साल सीटा फिल होंदियां, इहदा मतलब यही है कि जे हाई कमीशन वीज़ा दिंदा तां ही बच्चे जाके उह सीट्स नू भर रहे हैं। अगर वीज़ा ही नहीं मिलता तो वह सीट्स हर साल खाली रहनिया चाहिदियां, जबकि कोई भी सीट खाली नहीं रहिंदी है। सो इस करके मैं ये जिहड़ी मिथ बनी है कि शायद डिप्लोमा च वीज़ा नहीं आता, तो यह समझना पेगा असीं डिप्लोमा च जा ही नहीं रहे, असीं जां तां डिग्री च ही रहे हैं, सानू सैकेंड ईयर च तां डिग्री च ही बिठाना, फाइनल डिग्री भी बैचलर्स दी मिलनी है। बच्चे की जी COE आती है कन्फर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट, वो भी डिप्लोमा प्लस डिग्री की कंबाइन आती है, नहीं है कि बच्चे को कल्ले डिप्लोमा की, कल्ले डिप्लोमा तो वीज़ा के वैसे ही चांस नहीं होंगे। इस करके तुम यह ना कहो कि डिप्लोमा तो वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा, है तो यह डिग्री है, बस कोर्स है डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री। ठीक है बिल्कुल। सो आई होप स्टूडेंट्स नू D2D नू लैके यानी डिप्लोमा टू डिग्री प्रोग्राम नू लैके पूरी क्लैरिटी जरूर हो चुकी है। मनप्रीत जी ने सारे पॉइंट्स जड़े जड़े तुहाडे सवाल साढ़े तक आए सी उन्होंने सवालों के जवाब तो असी दे दिते ने, पर फिर भी किसी स्टूडेंट के मन में अपनी प्रोफाइल नू लैके कोई डाउट है सवाल है तो नंबर लगातार डिस्प्ले है इस उपर कॉल करके तुसी पूरी इनफॉर्मेशन लै सकते हो। मनप्रीत जी लास्ट में एक होर गल जरूर करना चाहूँगी तुहाडे नाल, किहड़े इनटेक लई हुण स्टूडेंट अगों अपलाई कर सकदा D2D प्रोग्राम की जे आपां गल करिए? देखो D2D दे विच एक मार्च इनटेक है, मार्च के हर यूनिवर्सिटी के जोड़े कोर्सिज मोस्टली डिप्लोमा प्रोग्राम्स मार्च स्टार्ट होंगे है। सो जो भी बच्चा हूँ अप्लाई करना चाहता मार्च वास्ते बहुत टाइम है बच्चे के हाथ के, इस करके कोई भी बच्चा प्रोसैस करना चाहता है अगले इस मतलब कमिंग मंथ के अपनी फाइल तुम ऑफर लैटर तुम अप्लाई कर दो और अपने फाइनैशियल्स नूं अप्रूव कराओ और बिल्कुल ईजली वीज़ा आ जाएगा मार्च इनटेक दे विच। चलो ठीक है। सो स्टूडेंट्स मार्च इनटेक है भावें, पर ये ना सोचो समा बहुत ज़्यादा है, कैंडिडेट्स भी उन्ने ज़्यादा होंगे ने, अपलाई करने वाले भी गिनती उन्नी ही ज़्यादा होंगी है। सो तुसी पहला अप्लाई करोगे तो तुहानू पहला जो है तुहाडा कोर्स मन चाहे कोर्स दे विच तुहानू मिल सकेगी एडमिशन, अप्लाई करने का प्रोसैस तुसी जल्दी और टाइम नाल कंप्लीट कर सकोगे। सो जरूर टाइमली जो है तुसी अप्लाई करो और फिर तो कहूँगी कोई भी सवाल है जो नंबर डिस्प्ले है स्टडी स्केयर अब्रॉड का इस उपर कॉल करो, पूरी इन्फॉर्मेशन लो या फिर तुसी इन्हां दे ऑफिस भी विजिट कर सकते हो। अपने डॉक्यूमेंट्स नाल लैके जरूर आना ताकि चंगी तरह असैसमेंट करके तुहानू राइट ऑप्शनस गाइड कीतियां जा सकन। बहुत बहुत थैंक्स मनप्रीत जी, पूरी इन्फॉर्मेशन तुसी स्टूडेंट्स नाल सांझी कीती है। अगों भी असी स्टूडेंट्स लई इसे तरह नाल होर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लैके आते रहेंगे। फिलहाल ही दो जी इजाजत, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।